नमस्कार किसान भाइयों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राजस्व महाअभियान का शुभारंभ कर दिया गया है 2.0 जो कि 18 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है किसान भाइयों लगातार जो है 31 अगस्त 2024 तक चलेगी किसान भाइयों जमीन संबंधित कोई भी काम आपका रुका पड़ा हुआ है तो वो इस 45 दिनों के अंदर अंदर निराकरण करना होगा मध्य प्रदेश सरकार का यहाँ पर आदेश है और किसान भाइयों मध्य प्रदेश सरकार की ओर से समस्त कलेक्टर समस्त उप कलेक्टर समस्त तहसीलदारों को यहाँ पर लेटर जारी कर दिया गया है कि किसान के गांव जाकर और किसान गांव में नहीं मिलता तो उसके खेत में जाकर जो भी प्रकरण हैं उनका निराकरण करना होगा चाहे वह जमीन संबंधित आपका नक्शा बटान होना हो नामंतरण होना हो या फिर आपकी बही नहीं बनी है उस संबंध में आपको जो है गाँव गाँव जाकर उनके खेतों खेत जाकर जो है इसका निराकरण आपको करना होगा यहाँ पर सख्त आदेश दिए गए हैं और साथ ही बताया गया है कि इसमें कोई ढिलासी अगर दी जाती है इसमें आई लापरवाही पाई जाती है तो बक्सा नहीं जाएगा सख्त यहाँ पर आदेश दिए गए हैं और आप इसको जो है आसानी से आप पढ़ भी सकते हैं किसान भाइयों इसमें पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है नक्शा में बटान डलना है या जो है बटान एक ही जगह के दो दो तीन तीन हैं या खसरे में कोई प्रॉब्लम है भूआ लेक पोर्टल पर कोई नक्शा बटान में गड़बड़ी है वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर सुधारी जाएगी किसान भाइयों साथ ही साथ किसान भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है समग्र आईडी से जो है आधार लिंक नहीं है आधार से समग्र आईडी लिंक नहीं है खसरे से आधार लिंक नहीं है ये सारी जो है प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और किसान भाइयों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि किसी भी जमीन संबंधित आपका कोई काम अगर रुका पड़ा है तो अभी आप जाकर एक आवेदन दे दीजिए आपका जो है पैंतालीस दिनों के अंदर अंदर जो है कार्य पूर्ण हो जाएगा और जिन किसान भाइयों को अपना प्रमाण पत्र बनवाना है जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो वो भी जो है जा सकते हैं जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द जो है आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा और किसान भाइयों साथ ही एक आईडी भी बनाई जा रही है जो कि एक नई आईडी बनाई जाएगी प्रत्येक किसान की जो है बनाई जाएगी फार्मर आई जो कि तैयार की जाएगी किसान भाइयों और मैं आपको बता दूँ ये जो है दिसंबर दिसंबर से अनिवार्य हो जाएगा तो किसान भाइयों फार्म आईडी भी बनना शुरू हो गए हैं तो आप बनवा सकते हैं लेकिन अभी मैंने जो है पटवारी द्वारा यहाँ पर बात की थी उनके जरिए अभी बताया गया है कि हाँ बनना शुरू होंगे अभी जो है शुरुआत इनकी नहीं हुई है तब जिस शुरुआत हो जाएगी तो मैं इस पर एक वीडियो जरूर बना दूंगा और किसान भाइयों फार्म आईडी आप ज़रूर बनवा लें इससे आपका जो है लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी केसीसी सी लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप अगर फसल बीमा करवा रहे हैं तो आपको क्लेम मिलने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और किसान भाइयों जो भी सरकारी योजनाएं यहां पर बनाई जाती हैं उसके आधार पर ही जो है बनाई जाएंगी फार्म आई के आधार पर जिससे हर किसान प्रत्येक किसान को इसका लाभ मिले मिल सके ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर काम करवाया जा रहा है और किसान भाइयों से निवेदन है आपका यानी बटान नहीं हुआ है या नक्शा बटान में कोई गड़बड़ी है तो जल्द से जल्द जिन किसान भाइयों ने आवेदन नहीं दिए तो वो जल्द से जल्द अपनी तहसील में जाकर जो है आवेदन दे सकता है जो कि पैंतालीस दिनों के अंदर अंदर उसका निराकरण किया जाएगा उसमें जो है सुधार किया जाएगा और किसान भाइयों से निवेदन है कि आपका जो है जगह जगह जो है कलेक्टर उप कलेक्टर तहसीलदार भी जो है गांव-गांव आएंगे और वहां पर कैंप लगाया जाएगा और आपकी जो भी समस्या है वहां भी आप जो है दर्ज करवा सकते हैं और किसान भाइयों से निवेदन है जब भी आप अपनी कोई शिकायत दर्ज करें तो मौखित ना करिए किसान भाइयों आप जो है अपना एक पत्र में लिख एक पावती एक दो पावती आप लिख लें किसान भाइयों एक पावती तो उन्हें दे दें दूसरी पावती आप खुद रखें दो आवेदन आपको लिखने होंगे किसान भाइयों पावती जरूर लेना है तभी जो है आपका काम हो पाएगा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो किसान भाइयों इसी तरह के वीडियो मैं आपको लाता रहता हूँ अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर करें धन्यवाद किसान भाइयों किसी प्रकार का सुझाव है हमारे चैनल के लिए तो वो ज़रूर दें धन्यवाद